पता नहीं कहाँ चले गए माई बापू, अभी तक आए नहीं। तो भाई तो माई का फोन नहीं लागत है, कौन बात नहीं, हम अभी चालू कर देते। जरूर छुट्टा नहीं होगा। प्लीज जस्ट मुझे अंदर जाने दो। माय गॉड, पता नहीं मैं तुम्हारे चक्रों में कैसे पढ़कर इतनी बड़ी रिस्क उठा लेती हूँ। वो मर्डर मेरी जान ले सकता था पुष्पा। माय गॉड, अरे हमरे ऐसे नसीब का। हाँ छुट्टन तो नहीं आया, हमको जाके देखना होगा कि वो सही सलामत घर पहुंचा कि नहीं, वो अपने माई और बापू के साथ है कि नहीं। बड़ी माँ आप घर पे ही है ना, हम अभी बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, प्लीज अब घर पे ही रहना। हम घर पे ही हैं बिटिया, ये काम तूफान मेल की तरह कौन काम के लिए जा रही हो तुम, हमको बताओ जरा। बड़ी माँ हम आपको उसे बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हमको बहुत जरूरी काम है। रुको रुको एक मिनट रुको, ये देखो तुम्हारी अम्मा का फोन है। हाँ तुम्हारी माँ बापू का। ए दुल्हन, हेलो। हेलो मोटी बाप जी, अब घर आ गई? हाँ बिटिया, हम और ये पक अभी तो आए हैं। मोटी बाप आपके लिए खुशखबरी है, मैं और अखिलेश यहाँ पर है जहाँ जहाँ आपका पोता मिलने वाला है। कहाँ बोल रही हो तुम, कितना बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रही हो, हम कहाँ, ये सब मुरली मनोहर की कृपा है, तुमका कैसे मालूम हुआ उसका पता? हमें घर के चौखट पर एक चिट्ठी मिली थी जिस पर इसका पता लिखा था, बस थोड़ी ही दूर एक बस्ती है मनोहर बस्ती। मनोहर बस्ती, मैं आपको एड्रेस भेजी हूँ, आप यहीं पर आ जाइएगा, फिर हम हमारे बेटे को साथ में घर ले जाएंगे। ठीक है तो ले हम आते हैं। हाँ ये बजरंगबली मनोहर बस्ती, तो ये पता है जो चिट्ठी में हमने लिखा था, इसका मतलब मापू को चिट्ठी मिल गई, कहाँ कर दी हमने। ये कौन जरूरी काम के लिए जा रही हो? हाँ तुम्हारे भाई का पता लग गया है बिटिया, कोनो नेक बंदे ने अपने घर के बाहर चिट्ठी रखी थी जिसमें तुम्हारे भाई का पता था। चलो चलो उके साथ। बड़ी माँ रुकिए, वो कोनो नेक आदमी का काम नहीं, वो चिट्ठी हमने रखी थी। तुम लिखी थी? हाँ बड़ी माँ, वो चिट्ठी पर जो पता लिखा है वो छुट्टन का पता है। बड़ी माँ हम तो केवल यही चाहती थी कि वो चिट्ठी देखकर छुट्टन अपनी माँ के लिए तरसे, लेकिन यह तो सभी गलत हो गया। पता नहीं वो चिट्ठी मापू के हाथ कैसे लग गई। अब अगर मापू वहाँ पहुँच गई और छुट्टन उनका मिल गया तो कल लगेगा छुट्टन हमारा भाई है। एग्जैक्टली, ये सब हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होने दे सकते, हमको जल्द से जल्द मापू को वहाँ जाकर रोकना होगा। ठीक है, गुल्लू और दुल्हन को जब ये खबर मिलेगी तो उनका दिल बहुत टूट जाएगा बिटिया, लेकिन सच्चाई तो उनको बोलनी पड़ेगी ना। चलो चल के सच्चाई बताते हैं उनको। हाँ ये इंस्पेक्टर क्यों मुझे फोन कर रहा है? हेलो अखिलेश जी, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है। जिस नंबर से सिलवासा पुलिस को कॉल आया था वो फोन अभी अभी इस्तेमाल किया गया है, हमारी टीम ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। हो सकता है कोई खूनी का फोन हो, ये कहाँ की लोकेशन बता रहा है? यही मुंबई मनोहर बस्ती, मैं आपके फोन पर उसकी लोकेशन भेज रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब का फोन था, वो खूनी का फोन ट्रेस हो चुका है, इसी बस्ती का पता बता रहा है। अच्छा सुनो, यहाँ पर नेटवर्क की कमी और इंस्पेक्टर साहब मुझे लोकेशन भेज रहे हैं, तो तुम जाओ, मैं यहीं पर रुका हूँ। ठीक है। Oh,
जाने छुट्टन के बापू अभी तक घर का है वापस नहीं आए। हमको तो डर लगा कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है। सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। अब हमको उनको बचाए खाते खुद ही पुराने वाली बस्ती में जाना पड़े। हम उनको अकेले परेशानी में नहीं रख सकते। हमको जाना पड़े। शायद यही रहता है मेरा बेटा। हमारी माई आ गई। हेलो, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे ये तो ऊंची वाली आंटी। नहीं नहीं, हमको बड़े से महल में नहीं जाएगा। हम ये घर छोड़कर नहीं जाए। दरवाजा खोलिए प्लीज। ये कोई दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? देखिए मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए वरना मैं तोड़ दूंगी। किसने लॉक किया था? ये अच्छी वाली आंटी के उठने से पहले घर यहाँ से निकले की चाहिए। पर हम भी अच्छी वाली आंटी को याल में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? छुट्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो हमारा घर है आंटी, हम यहाँ रहते हैं। अरे नहीं नहीं अच्छी वाली आंटी प्लीज, हम कहूँ बड़े से घर में वापस नहीं ले जाओ। अच्छी वाली आंटी पते पर मेरा बेटा है, इसका मतलब तो यहाँ रहते हो तुम? हाँ अच्छी वाली आंटी, ये तो हमारा घर है। छुट्टन, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? माँ हूँ मैं तुम्हारी, बेटे हो तुम मेरे, मेरी औलाद। ये सब क्या बोलो तो अच्छी वाली आंटी, हम आपके बटुआ? मापू, नहीं मापू आप गलत समझ रही हैं।
ये हमारा भाई नहीं है। कमाल है, लोकेशन भी इसी घर के पास का दिखा रहा है। परिवार में कौनो भाई बहन नहीं, ये घर में केवल हम, हमार माई, हमार बापू रहते। बापू, ये देखो अच्छी वाली आंटी, ये हमार निकम्मे बापू। हम इके और माई के बेटे हैं, आपके नहीं। बापू, हमको तुमने और माई की बहुत और माई को छोड़ के कब ना आ जाए, हमको छोड़ के कब ना आ जाए। बापू, बापू, ये अंगूठी हमका मिली थी, ई का मिली थी। मोरी मोरी गंगा मैया, ये अंगूठी दुल्हन, ये जो है ये हमका कमला के घर में मिला था। ये तो वही खूनी है जिसने कमला का खून किया। ए, हाथ कहाँ छुपा रहे हो? अंगूठी दिखाओ, दुल्हन ये अंगूठी देखो, देवीना के नाखून के निशान देखो, यही खूनी है। तुमने खून किया है ना कमला का? और इल्जाम सारे हमने बिटुआ पे आया, हाँ? बोलो ना। अम्मा, गुलो। अखिलेश, ईरा, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये वही पता है जो जिसका लोकेशन मुझे इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है। कमला चाची का खूनी यहीं पर रहता है। यही खूनी है गुलो। ये की अंगूठी देखो, ये दबीना के नाखूनों के निशान, ये का जाने नहीं देना बेटवा। नहीं ना, देखिए आप लोगों को कमला गलत फहमी हो गई। हम नहीं जाने कौन कमला का आगे, कौन कमला का चाची का नहीं जाने। चल चुटन, हमारे साथ चल। अपने ही घर से छुप छुप कर भाग रहे हो, जरूर कोई बात है। सच सच बताओ, कमला चाची का खून तुम्हें ने किया है ना? कहाँ कह रहा हूँ, कह रहे ना क्या, हम नहीं जाने कौन कमला। नहीं बोलो ना, एक उल्टे हाथ की लगाएंगे, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। बताओ खून का है क्या कमला चाची का, बोलो। अरे ओ अंकल, हमने बापू का कोला छोड़ा, छुट्टन छोड़ा, हमने बापू ने कथा नहीं किया, हमने बापू को छोड़ा नहीं। छुट्टन छुट्टन देखो, बड़े बात कर रहे हैं ना, तो उनके बीच में मत बोलो प्लीज मिश्री। हाँ छुट्टन, सच सच बताओ हमें एक और। अच्छा आप लोग आ गए, ये रहा कमला चाची का खूनी, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे साहब, हम भगवान सब कह रहे हैं, हम गलत फहमी हो गई साहब, हम कौन खून नहीं किए, हम गरीब आदमी है साहब, हम हमको जाए नहीं। ए चांद पत्ती नहीं बोल, क्यों मारा तूने औरत को, और कौन कौन तेरे साथ मिला हुआ है, और तेरी औरत किधर है? नहीं नहीं साहब, छुट्टन के मायने कछु नहीं किए, खून हम किए। हमें खूनी, लेकिन क्यों, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कमला चाची से? अगर हम उनकी जान नहीं लेते तो वो आपको बता देते कि छुट्टन आपकी औलाद है। छुट्टन सच में हमारा बच्चा है।
हाँ डॉक्टरनी साहिबा, वो रात जब अपना पहला बच्चा जन्मी रही वो मेरा बच्चा पैदा हुआ था और यही खातिर कमला चाची वो मेरा बच्चा हमका सौंप दी कि हम उनका क्रियाक्रम कर दे। वो अपना को वो बात बतावा नहीं चाहत रही कि कैसे कि अपना की तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक रही है, लेकिन जब हम वो बचुआ का हिया से लेके घर की ओर जात रहे तो अचानक बच्चा रोवे लगा। हमरी चंदा का तो कभी बच्चा नहीं हो सकत बा, तो हम विचार किए कि अब हम ही बच्चा का पालब। और बच्चा का हम रख लिए और ये बात की खबर हम कौनों को नहीं हो दिए, लेकिन कुछ दिन पहले कमला चाची का हमरे ही राज का पता चल गया। और इसीलिए हम उसकी जान ले ली है। हाँ लल्ला, ये सच है कि तुम डॉक्टरनी और बड़े साहब की औलाद हो, हमरी नहीं। चाहे कभी ये सच नहीं बदल सके, तू हमारा औलाद नहीं। जो कुछ यहाँ बताया है सब थाने जाकर अपनी गवाही में भी लिखवा देना। पटेल कॉन्टैक्ट काम कर रही। हमें अपना बेटा मिल गया और कमला चाची के खूनी का भी पता चल गया, सब ठीक हो जाएगा। Chuttan!